लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये वकील साहब, क्या बात है? राय साहब, मैंने आपके वसीयतनामे में नए एडिशंस कर दिए हैं और मिस्टर मेहरा के जंगलात के कागजात भी चेक हो चुके हैं। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, वो कागजात लेकर 2 बजे दफ्तर में आ जाइए। ओके सर। हाँ तो मिस्टर मेहरा, आज से आपके जंगलात हमारे हो गए। मैनेजर साहब। ये रही आपकी पेमेंट, पूरे 10 लाख हैं, गिन लीजिए। अजी क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? भाई हमारे बिजनेस का एक असूल है कि रुपया दो तो गिन के दो, रुपया लो तो गिन के लो। राय साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए। भगवान का दिया क्या कुछ नहीं है आपके पास, फिर भी आए दिन जंगल पे जंगल, जमीन पे जमीन खरीदते जा रहे हैं आप, आखिर किसके लिए? मेरे बेटे अर्जुन की तमन्ना थी कि हमारी कंपनी का नाम नंबर 1 पर हो और वो मेरे बाद इस कुर्सी पर बैठकर राज करे। वो तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, अब मेरी तमन्ना है कि उसका बेटा और मेरा पोता राजा, जो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है, वो मेरे जीते जी इस कुर्सी पर बैठकर राज करे। अरे राजा, यही राजा है जिसकी मैं अभी अभी बात कर रहा था। पर तू यहाँ कैसे आया? तू मुझे मालूम था जब चंदनवाड़ी से वापस आने वाले, इसलिए मैं स्कूल से सीधा यहाँ चला आया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दद्दू, आज आप घर कब आएंगे? बेटे मैं ये काम खत्म करते ही आ जाऊँगा। दद्दू वादा कीजिए आज घर जल्दी आएंगे। वादा? वादा कीजिए आज खाना साथ खाएंगे। अरे वादा, खाना साथ खाएंगे। मेम साहब चाय। वकील ने क्या बोला? डे ने अपना वसीयतनामा बदल दिया। क्या? हमारे नाम एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी, सब कुछ उस राजा के नाम कर दिया। राजा की माँ की मौत के बाद मैंने उसके बाप से शादी की सिर्फ दौलत के लिए, लेकिन मुझे क्या मिला? अरे मिल जाएगा बहना। अरे मेरी प्यारी प्यारी बहना, जब तुझे ये कमीना भाई मिल गया है तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम राजा को ही हटा दें तो? ऐसी गलती कभी मत करना, वरना सारी की सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी। अरे मेरी प्यारी बहना, पेड़ के फल वही खाता है जो पेड़ की डाली पर बैठा होता है, और इस दौलत के पेड़ की सबसे कीमती डाली है राजा, बुड्ढे का एक लौता चहिता पोता जो हमारे इशारे पे कांपता हुआ जीता है। मेरा प्यारा प्यारा भांजा राजा। कहां गया था? नहीं नहीं मामा, मैं पूछता हूं कहां गया था? नहीं नहीं। राजा ये ले। वाह बाबूजी वाह, आप कितने प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाते हैं इसे। जब आप यहाँ नहीं होते ना तो मैं भी इसी तरह से अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ इसे। क्यों राजा बेटे, खिलाता हूँ ना? भाई काम नहीं मदन, तुम दोनों के भरोसे ही तो राजा की जिंदगी है। और बाबूजी आपके भरोसे हम है। बेटी कामनी जी, मैंने अपने वसीयत नामे में एक एडिशन और कर दी है। वो क्या बाबूजी? वो ये कि अगर फर्ज करो कल मैं दुनिया में ना रहूं। नहीं बाबूजी। तो इस ट्रस्ट में से 10,000 रुपया महीना खर्चे के लिए तुम्हें और 1,000 रुपया महीना मदन को ताजिंदगी मिलेगा। अरे बाबूजी,
आपके तो चरण छूने को मन करता है। अरे मन को सुबह तक संभाल लो, कल चिनार महल जा रहा हूँ। दद्दू, आप हमें छोड़कर फिर चले जाएंगे? नहीं नहीं बाबूजी, पिछली बार चिनार महल जाकर आपकी तबीयत खराब हो गई थी, इस बार मैं आपको वहाँ के लिए नहीं जाने दूंगी। तो मेरी फिक्र ना कर बेटी। बाबूजी, आप हमारी इतनी फिक्र करते हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। वैसे भी आपकी सेवा का मौका कहाँ मिलता है। तो ठीक है भाई, तुम लोगों की यही मर्जी है तो यही सही। भगवान, अब इस घर को किसी की नजर न लगे और मेरे पोते के जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देना। बहना जी करता प्रसाद में जहर डाल के खिला दूं बुड्ढे को। चुप कर, आ रहा है। दद्दू, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए ना प्लीज। बेटा, एक दिन तू भी हमारी तरह वहाँ अकेला जाएगा, जब तू पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा। अरे ऐसे अकेला कैसे चला जाएगा, ये मामा भी तो साथ में जाएगा, मैं तो अपनी गोद में लेके जाऊंगा अपने भांजे को। मालिक। अरे भाई बाबूजी, जल्दी में बाद में जाओ। मदन जी, लगता है इसे कुछ पैसों की जरूरत है, इसकी जरूरत पूरी कर देना। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं तो सब कुछ पूरा कर दूंगा। अरे चलिए चलिए चलिए, आपके तो उड़ने का समय हो गया। चलो बेटा, चलो। मेरी बेटी कहां है? खामोश क्यों हो? जवाब दो, मेरी बेटी कहां है? कितनी खूबसूरत लगती है वो धरती, क्या मैं उस धरती पर जा सकती हूँ, इंसानों से मिल सकती हूँ? क्या वो फिर उस धरती की तरफ गई है? ऐ सुनहरी शक्ति, मेरी बेटी को वापस ले आ, मेरी बेटी को वापस ले आ, मेरी बेटी को वापस ले आ, मेरी बेटी को वापस ले आ। ऐ सुनहरी शक्ति, मेरी बेटी को वापस ले आ, मेरी बेटी को वापस ले आ, बेटी को वापस ले आ, बेटी को वापस ले आ। इस सृष्टि में वो जहाँ भी है, वापस ले आ, वापस ले आ, वापस ले आ। कितनी बार कहा तुझे उस धरती की तरफ मत जाया कर। माँ, धरती के इंसानों को देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। माँ,
माँ, बादलों के पार चांदनी में वो धरती कितनी खूबसूरत लग रही। नहीं बेटी, वो धरती हमारे काबिल नहीं। वहाँ कोई किसी का नहीं होता, खुदगर्जी की जमीन है वो। मतलब के रिश्ते होते हैं वहाँ। वहाँ मोहब्बत भी जीती है तो नफरत के सायों में। जो उस भंवर में फंस जाता है उसे मौत होने पर ही मुक्ति मिलती है। मैं अपनी बेटी को गंवाना नहीं चाहती, इसलिए आज से इस सुनहरे देश की रक्षा मैं नहीं तुम करोगी। मैं ये कैसी सजा दे रही हो मुझे? सजा नहीं, तुम्हारी रक्षा। तुम्हें उस धरती से दूर रखने का एक यही रास्ता है कि तुम इस सुनहरे देश की रक्षा करती रहो। ये वो सुनहरी शक्ति है जिसे हाथ में रखकर जो कहोगी वो हो जाएगा। मगर याद रहे, अगर तुमने उस धरती की तरफ जाने की कोशिश की और दुनिया के उस भंवर में फंस गई और अगली पूर्ण चंद्रमा तक इस सुनहरी शक्ति को लेकर वापस नहीं आई, तो इसका अंजाम तुम अच्छी तरह जानती हो। ये सुनहरा देश नष्ट हो जाएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी माँ भस्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। बस यार, खेल खत्म। चलो, बहुत भूख लगी। आज तो पिकनिक का मजा ही आ गया। अरे मजा तो कल रात को आया था, जब सुपरमैन, टार्ज़न और चाचा चौधरी सब मुझसे मिलने आए थे। सच? हाँ, सुपरमैन तो मुझे उड़ा के आसमान में ले गया, एक सितारे से दूसरे सितारे पर, दूसरे सितारे से तीसरे सितारे पर। अरे यार, तुम लोग फिर इसकी बातों में आ गए। कभी हवा में उड़ता है तो कभी ये पानी पे चलता है। अरे राजा, तू अब अपना कॉमिक्स पढ़ना बंद करेगा? अरे चुप रे बटाटा वड़ा। मैं बटाटा वड़ा तो तू तू समोसा। मैं उस धरती पर कभी नहीं जा सकूंगी, वहां के इंसानों को कभी नहीं देख सकूंगी। क्या यह सपना कभी पूरा नहीं होगा? सुनहरी शक्ति मुझे दे दे। मेरी शक्ति, दगड़ू, मेरा तो नशा ही उतर गया। ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है।
कहाँ चली गई? गाड़ी पीछे लो। कौन मानेगा मेरी बात? दद्दू, काश आप मेरे पास होते। लौंडिया मेरे लिए लायो हैं? ठीक है तेरे लिए। अबे बॉब, तू आते ही तोड़फोड़ शुरू। शोना शोना, कमाल का शोना, जहाँ भी शोना देखता है लूट लेता है। शाबाश। हाय, आई एम सिली। अरे क्या टाइम पे मिली? नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। हाँ?
ये मदन मामा ना तुम भी मर जाए, कहां से कहां तक जाए, कहां से कहां तक कहीं पे अटक जाए, नहीं 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 कहीं पे लटक जाए, ये मदन मामा ना भटक जाए। हाय आई एम लिली। तो पहले क्यों नहीं मिली? बट मदन, टोनी इज अ मिक्स ब्रीड, आधा हिंदुस्तानी और आधा इंग्लिस्तानी, पूरा हरामी बास्टर्ड। शहर से इन पहाड़ियों में आ गया टीजी वी गैंग। ये शराब 40 साल पुरानी है। वो शाला बुढ़ा। नहीं कोई 60 साल। इसका मतलब है दोनों को खत्म करना है। लेकिन इस बुढ़े का कत्ल तुम लोगों को इतनी चालाकी से करना है कि पुलिस की अकल भी चकरा के जमीन पे गिर जाए, ना कातिल पकड़ा जाए और ना ये मदन मामा हाथ में आया। मगर वो बुढ़ा मिलेगा कहाँ? ये यहाँ से 500 किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के घने जंगल में एक जगह है चिनार महल। साले जासूसी करता है हराम शादे। नहीं 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 राज बच गया और राजदार मर गया। नहीं मामा। आज से तेरा स्कूल जाना बंद, दोस्तों से मिलना बंद, बंगले के अंदर जाना बंद, समझा? भगवान, भगवान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। खेल रहा था। मामा, अंदर मत जाना, अंदर कोई नहीं है मामा। नहीं, अंदर कोई नहीं है, इसका मतलब अंदर कोई है। हट। बॉल खेल रहा था साला, बॉल खेल रहा था, अभी मजा चखाता हूँ। राजा
कौन करेगा? घर का काम मैं करूंगा। मैं नौकर हूं, वो मालिक है। राजा नौकर है, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। वो मालिक है, वो बच्चा है, वो भगवान है। मैं मालिक हूं, मैं वो मालिक है। मैं नौकर हूं, मैं घर का काम करूंगा, मैं झाड़ू लगाऊंगा। मैं नौकर हूं, मैं नौकर हूं, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। नौकर हूं, मैं नौकर हूं, वो मालिक है। मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। ये मेरे अंदर से जानवरों की आवाज क्यों आ रही है? अरे ए बॉल, ए रुक रुक, ए क्यों मार रही मुझे? रुक, अरे ए बॉल रुक रुक, अरे 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 बॉल रुक, अरे क्यों मार रही है मुझे? अरे कोई रोक लो, अरे कोई बॉल रोक लो। ये बॉल है या गामा पहलवान? मैं कुत्ता हूँ, तू बादशाह, मैं घटिया हूँ, तू आकर आज से काम वाली बाई की तरह से मैं काम करूंगी। तू तो आराम करना बेटे, मेरा प्याला प्याला बन जा। बचाओ! ये अचानक मामा को क्या हो गया? चली गई। जंगल वाली लड़की, तैयार नहीं हुए? आज फिर हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ, वो जंगल वाली लड़की है ना, घर के अंदर है। कौन हो तुम? इतनी रात गई इस कमरे के अंदर, कैसे आ गई तुम? हैं तुम लोग यकीन क्यों नहीं करते? बिलीव मी, वो अंदर है। चल चल यार, ये एक और कहानी सुना देगा। कहानी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, डिंडों की कसम। जंगल वाली लड़की, जंगल वाली लड़की, ये मेरे दोस्त हैं, बंटी, बबलू, गुड्डू, सनी और मैं राजा। मगर तुम्हारा नाम क्या है? बोलो ना, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो ना, तुम्हारा नाम क्या है? इसका तो नाम है राजा, मेरा नाम है बंटी। मगर तुम्हारा नाम क्या है? इसका तो नाम है राजा, मेरा नाम है बंटी। मगर तुम्हारा नाम क्या है? ओफो, वन मिनट, इसका नाम है राजा, इसका नाम है बंटी, इसका नाम है बबलू, इसका नाम है गुड्डू और मेरा नाम है सनी। पर तुम्हारा नाम क्या है? ओहो, वन मिनट, इसका नाम है राजा, इसका नाम है बंटी, इसका नाम है बबलू, इसका नाम है गुड्डू और मेरा नाम सनी। पर तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी, मुझे छोड़ के मत जाओ चंद्रमुखी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। चंद्रमुखी, 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 तो तुम्हारा नाम चंद्रमुखी है? ये चंद्रमुखी, 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 चंद्रमुखी। Thank you.
जाकर दरवाजा खोल दो, मैं कमरा ठीक कर देती हूँ। दरवाजा बंद है। राजा, राजा, हरामजादे, मैंने तुझे घर के अंदर आने के लिए बना किया था ना, क्यों क्यों नहीं किया? क्यों बुलाया दोस्तों को? है? नहीं बुलाया? नहीं बुलाया? नहीं बुलाया? घर के अंदर? है? उठ क्या चल रहा है? उठ, उठ साला। जायदाद सब मेरी होगी, उस साले बुड्ढे या राजा की नहीं। ए मैन, तुम राजा को इतना मारते क्यों है? हाँ, क्योंकि उसकी तकदीर में सिर्फ मार खाना ही लिखा है। अगर मैं उसे अभी मारूंगा नहीं तो बड़ा होने के बाद वो मुझसे डरेगा कैसे? और बड़ा होने पर मैं उसे मार मार के पागल बना दूंगा। पागल, जब सारी जायदाद मेरे पास आ जाएगी तो एक दिन मैं उसे जान से मार दूंगा। इंसान दौलत के लिए अपनों का खून भी बहा देता है। मैं इसे हर जुल्म को खत्म करने वाला अहंकार बना दूंगी, दुश्मनों पर चलने वाली तलवार बना दूंगी। नहीं बेटी, नहीं। एक अनहोनी तो हो चुकी है और अब तो दूसरी अनहोनी को जन्म देने जा रही है। ऐसा कोई कदम मत उठाना, वरना तू धीरे धीरे जज्बात के ऐसे भंवर में फंस जाएगी कि फिर मैं भी उस भंवर से तुम्हें निकाल नहीं पाऊंगी। तो फिर मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? तू उस सुनहरी शक्ति को लेकर लौट आ, और याद रहे, अगली पूर्ण चंद्रमा होने से पहले तुझे किसी भी हालत में वो सुनहरी शक्ति लेकर लौट आना है। मैं अपनी सुनहरी शक्ति को वापस हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे किसी भी अनहोनी को जन्म देना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं।
नहीं नहीं, ये क्या शिवजी ने मुझे ये अब राजा आजाद हो गया। कौन है तू? अंदर कैसे आ गया? अरे अरे मेरे कपड़े भी पहन लिए, तू तू इधर आ कैसे? मैं अंदर अंदर से क्या है? अंदर से क्या राजा? राजा क्या किया तूने मेरे राजा को है? क्या किया मेरे राजा को? जब छोटे राजा क्या 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 मेरे राजा को क्या किया तूने? अब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा राजा, क्या कभी नहीं मिलेगा? हाँ अब समझा, तूने मेरे राजा को किडनैप कर लिया। नहीं नहीं मैं नहीं। बोल कहाँ है मेरा राजा? नहीं राजा प्लीज 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 मामा गर्दन काट दूँगा। बोल राजा कहाँ है? बोल राजा कहाँ है? मैं ही राजा हूँ। तू है राजा? कहाँ राजा? कहाँ है राजा? मैं ही राजा हूँ। नहीं मुझे मत मारो, नहीं 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 मुझे मत मारो, नहीं पागल है साले, अबे मारो उसे। मैं वही राजा हूं जिसे बचपन में यानी कल तुम लोगों ने बहुत मारा था। ये राजा आजा। अब हम दिखाता है। बच गया। पकड़ो उसे।
बंटी, सनी, गुड्डू, एक मिसिंग है। कौन? राजा। अरे पहचाना मुझे? मैं वही राजा हूँ। राजा? कौन राजा? अरे तुम्हारा दोस्त राजा। और कौन? हमारा दोस्त? लेकिन हम तो तुमको नहीं जानते। गौर से देखो मेरी आंखों में, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। अरे अरे मैं टारजान सुपरमैन की कहानी नहीं सुना रहा, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। अरे याद है वो पिकनिक? और याद है मैंने तुम्हें चंद्रमुखी से मिलाया था? अरे मैं ही तुम्हारा राजा हूँ यार, तुम्हारा दोस्त। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम हमारा राजा नहीं हो सकते। चलो तो हमें जाने दो। चलो चलो चलो। अरे गुड्डू, बबलू, सनी, अरे मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं ही तुम्हारा राजा हूँ? अपना है मेरा ला ला, जिंदगी का खेल ला ला ला, आती जाती रे। ये सब हुआ कैसे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि ये सब कैसे हुआ। तुम लोगों के जाने के बाद मामा ने मुझे बहुत मारा, तो मैंने रोते रोते भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मेरी मदद करो। और जब मैं सुबह उठा तो मैं बड़ा हो गया था। मामा मुझे मेरा किडनैपर समझता है, और मामा के वो गुंडे दोस्त जो शहर से आए वो मेरे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहते हैं। पता नहीं दद्दू भी मुझे पहचान पाएंगे नहीं, और इस हाल में तुम लोग भी मेरा साथ छोड़ दो कि तुम्हें। नहीं राजा नहीं, हम लोग तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। डिंग डोंग की कसम, डिंग डोंग की कसम। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी तुम्हें मालूम है ये कौन है? हाँ, अपना राजा। मैंने सब कुछ सुन लिया है, डिंग डोंग की कसम। लेकिन राजा अब तू करेगा क्या? अब तो ना तू स्कूल जा सकता है और ना ही घर। अब तो बस एक ही रास्ता है, हम दद्दू के पास चिनार मिल जाएंगे। ये चिनार महल क्या होता है? यहाँ से 500 किलोमीटर दूर खूबसूरत पहाड़ों के पीछे एक कोठी है जहाँ मेरे दद्दू गए। मेरी सुनहरी शक्ति भी ऐसे ही बर्फ के पहाड़ियों में कहीं खो गई है। मैं उन पहाड़ियों में जाकर अपनी उस सुनहरी शक्ति तलाश करूंगी, और हासिल करते ही अपने देश लौट जाऊंगी। क्या सोच रही हो अपने घर के बारे में? फिक्र मत करो, दद्दू से मिलने के बाद हम तुम्हें तुम्हारे घर पे हिफाजत से पहुंचा देंगे, ये हमारा वादा रहा। मगर राजा हम इतनी दूर जाएंगे कैसे? Thank you.
उल्लू के पट्टे साले। संभल के। बंटी बबलू कहाँ चले गए ये लोग? ये धुन तुम्हें कैसे सिखाई? दोस्तों ने। कौन? बबलू, बंटी, सनीर, गुड्डू ने? हाँ, मगर तुम राजा? हाँ, लेकिन वो कहाँ है? मैं उन्हें सोनावाली के पास वो जो खंडा है ना वहां छोड़ा है। बेचारे बहुत भूखे थे, मैंने उन्हें अपना भी खाना खिला दिया। चलो चलो मुझे उनके पास ले चलो। बाबूजी, उन दोस्तों के साथ पहले बहुत देर हो चुकी, जानवर नहीं बिकेंगे तो गाँव वालों का सामान कैसे खरीदूंगा। मगर बाबूजी आप बेफिक्र रहिए, मैं यू गया और यू आया, आपने इंतजार यही करना। अरे सुनो, नाम क्या तुम्हारा? दोस्त। दोस्त? चंद्रमुखी, मैं मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाह रही हो। बबलू, बंटी, गुड्डू, सनी सबका पता चल गया, वो लोग खंडर में हैं, ये गडरिया ने बताया। मगर राजा तुम कहाँ चले गए थे? मगर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ये बांसुरी तो उस तो तुम मुझे मिल चुकी हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं न जाने मुझे क्या हो जाता है। क्या हो जाता है? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये धड़कन क्या होती है? जो दिल में होती है। ये दिल क्या होता है? ये दिल तो कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है?
राजा, इस घने जंगल में तो हम फंस गए। सुना था जंगल में बड़ी तेज बारिश होती है और आज देख भी लिया। मैंने तुम्हें अपनी दिल की धड़कन सुनाई, अब तुम भी मुझे अपनी दिल की धड़कन सुनाओ ना। छोड़ो ना। ऊपर वाले का भी जवाब नहीं, पहनने को कपड़े भी मिल गए और रहने के लिए छत भी। चंद्रमुखी, मुझे लगता है ये घर किसी शिकारी का है। राजा, नशा दिल चुरा के ना जा दिल रुबा।
चुरा के ना जा दिल रुबा। राजा के पास जा। चंद्रमुखी, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो चलें। कहाँ? लाल टीले पर गडेरे के पास। चलो चलो। अरे अरे, ये तो मामा है। अबे काने जा रही है, अबे छोड़ दे, मुझे गिर जाऊंगा। उसके साथी भी है। ये तो जरा संथाला, हमें इनका पीछा करना पड़ेगा। चलो राजा उस तरफ। राजा इधर इधर, खिड़की हुई है। राजा बच गए। राजा राजा, क्या ये तलवारें, ये भाले कौन है? ये लोग लगता है किसी डाकू का अड्डा है। ये डाकू क्या होता है? जो लूट लेते हैं। मगर राजा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं होता है, डाकू ने जान से मार देते हैं। क्यों, क्या हुआ? साले, ये तो डाकू के अड्डे में लाके फंसा दिया। ऊपर से पूछता क्या हुआ? ये सारा किया कराया आपका है। मेरा? हाँ, ना आप मुझे मेरे घर से भगाते, ना हमारे पीछे कुत्ते लगाते, ना हम इस झूले पर आते। अब इस झूले में तो आ गए, अब यहाँ से निकलने की तो सोच। मदन मदन, नो मैन नो, दुश्मन पार्टी के साथ नो रिलेशन, नो कनेक्शन, नो कनेक्शन, नो रिलेशन। हरामजादे, मैं तेरी जबान उखाड़ दूंगा। देखना मामा, तुम्हारे असली दुश्मन यही बन जाएंगे। भड़काता है शाला, पार्टी में फूट डलता है। खामोश, तुम सबका हिसाब किताब करेगा। Hey!
शेर के पंजों से हिरनी छूट सकती है। नहीं संताला, मुझे छोड़ दो। मकड़ी के जाल से मक्खी छूट सकती है। नहीं। मगर संताला के हाथों से लड़की नहीं छूट सकती। नहीं छोड़ दो मुझे, नहीं, नहीं, नहीं। किसकी मौत आई है? सरदार, एक नई कली मुस्काई है। क्या मुझे कहाँ ले आए? कचरा हटाओ, फूल बिछाओ। छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं? राजा, कहाँ ले आए हो? कली है, गुलाब है, फिर भड़कती हुई आग है। मैं तुम्हारे अंग अंग को चूमूंगा, इन खूबसूरत भावों में झूलूंगा। अपने होंठों से तेरे गालों पे जवानी की कहानी लिखूंगा। इज्जत लूटूंगा मैं तेरी। इज्जत? मैं इज्जत क्यों लूटूंगा? मैं इज्जत नहीं लूटूंगा। कहानी? कहानी कौन लिख सकता है? कहानी मैं नहीं, नहीं, अरे मैं लेखक थोड़ा ना हूँ, लेखक का भी नहीं हूँ। अरे मैं तो एक सीधा साधा संताला हूँ। संताला? कौन 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 आला? संताला कहाँ जाना? राजा, ये कौन है? रह 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 रह। अबे मेरी नकल उतार रहा है। मैं ला 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 कर रहा था और तू ला 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 कर रहा है। जान ले लो इसकी। संताला कहाँ जाना? ये मेरा साथी है। तुम्हारा साथी है? अरे फिर तो मेरा भी साथी है। जान लूंगा? बिल्कुल नहीं लूंगा। जान लेना तो पाप है, महापाप है, अहिंसा महापाप है। छोड़ दो इसे। नहीं संथाला, नहीं, इसे मत छोड़ना। ये बदमाश छूटते ही तुम्हारा बैंड बजा देगा, तेरा मुंह काला कर देगा। ब्लैक ब्लैक बिलैक बिलैक बैंड बजा देगा। कौन है ये लोग? सरदार, आपके इलाके में गोली चला रहे थे ये लोग। क्यों भाई चुगत? गोली चला था मेरे इलाके में, सजा दूंगा, मार डालूंगा, सबकी जान ले लूंगा मैं। मेरी जान तो तुम्हारे लिए हाजिर है। आप लोगों के कदमों में बिछ जाऊंगा, फूल बरसाऊंगा, फूल। अबे ओए, तुम लोगों की तो मैं बोटी बोटी कर दूंगा, कुत्तों को खिलाऊंगा, कुत्तों को। आप लोगों को अच्छा खाना खिलाऊंगा। बिरयानी? बिरयानी? इडली सांभर उपमा? इडली सांभर उपमा जो मांगोगे दूंगा, क्योंकि आप लोग तो मेरे मेहमान हो और मेहमान भगवान का रूप होते हैं, है ना? अपने मेहमानों के आने की खुशी में संथाला ऐलान करता है, जश्न संथाला।
बिजली हूँ खतरा हूँ शबनम का खतरा हूँ बिजली हूँ खतरा हूँ शबनम का खतरा हूँ ऐसी हूँ वैसी हूँ देखो तो कैसी हूँ कौन हूँ मैं क्या हूँ कोई भी न जाने मेरी बिना सिर्फ तू पहचाने मेरे न चलते दिल में बेधर तेरी निशानी है मेरे हाथों पे एक ऐसी को वहां शराब पिलाकर लुड़का दिया है और वो संथाला वो उधर झूले पे सो रहा है चलो निकल चले संथाला अच्छा तो राय साहब अब हमें जाने की इजाजत दीजिए ओके थैंक्स फॉर कमिंग थैंक यू अच्छा जी राइट नमस्ते सर इस बार हमारा काम जल्दी खत्म हो गया हाँ इस दफा हमने काफी पहाड़ और जंगल वाजबी कीमत पर खरीद लिए हैं लेकिन वो मंगल गांव की सुरमई पहाड़ी का कुछ हिस्सा और उसके पीछे का जंगल मिल जाता फिर तो क्या ही बात थी राय साहब सुरमई पहाड़ और पीछे के जंगलात मैंने डील कर लिए सर अरे गुड कांग्रेचुलेशंस ये हुई ना बात बैठो थैंक यू सर लेकिन सर उसका मालिक हमारे टर्म्स और कंडीशन पे राजी हो गया है कल तो वो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता था खैर लो बाबूजी हां बाकी के दस्तखत बाद में कर लीजिएगा पहले खाना खा लीजिए खाना ठंडा हो रहा है चलिए अरे दो तीन नहीं, तो दस्तखत हैं ओके थैंक यू वेलकम आज नहीं कल काम नहीं बेटी आज हमारा इस पहाड़ पर आखिरी दिन है आखिरी दिन हाँ हमारा काम खत्म हो गया कल सुबह 10 बजे हम वापस जा रहे हैं तैयारी कर लेना मदन अभी तक नहीं आया अगर ये बुड्ढा वापस चला गया तो 1 साल मुझे इंतजार करना पड़ेगा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बेटी ये तुम मुझे कहां ले आई आखिरी किनारे पर आखिरी किनारा ये पक्की सड़क भी खत्म हो जाती है यहां आकर सब कुछ खत्म हो जाता है कामनी ये क्या मजाक कर रही हो हा? मजाक नहीं आज मैं आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ सरप्राइज हाँ बाबूजी वो पहाड़ी के नीचे ये जो जंगल है और वो मैदान वो सब की डील में कर चुकी हूँ आपके लिए डील कर चुकी हो मुझे बगैर बताए हाँ बाबूजी ये चीरापुर की वही जमीन है जहाँ फार्म हाउस बनाने का आपका सपना था लेकिन बेटे ये चीरापुर का हाँ हाँ बाबूजी ये चीरापुर की पहाड़ी का पिछला हिस्सा ये देखिए बेटी तुमने तो इतना बड़ा काम कर दिखाया मुझे यकीन नहीं आता आप ठहरिए मैं अभी आपको दिल के कागजात दिखाती हूँ तुमने तो धीरे धीरे सब कुछ संभाल लिया जानती हो जब तुम राजा की मां बनकर हमारे घर आई थी तब मैं बिल्कुल खुश नहीं था डरता था पता नहीं राजा को वो प्यार वो ममता मिलेगी या नहीं लेकिन आज मुझे भरोसा हो गया है कि मां आखिर मां होती है सगी या सौतेली नहीं
अरे ये संताना तो कमाल का भी निकला और ये सफर भी और तुम भी क्या नाचती हो क्या गाती हो ये लो एप्पल खाओ अरे खाओ ना राजा जब से मेरी जिंदगी में आए हो मेरी तो दुनिया ही बदल गई है दुनिया तो मेरी भी बदल गई है मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां इतना प्यार इतनी मस्ती होगी राजा इस दुनिया से आगे किसी और दुनिया में चलोगे मेरे साथ कैसी दुनिया ख्वाबों की दुनिया जब से तुम मिली हो ये सब ख्वाब जैसे तो लगता है लेकिन राजा इस दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं कितनी परेशानियां हैं मुश्किलों से लड़ना परेशानियों से निपटना यही तो जिंदगी है चलो पहले भगवान को प्रणाम कर लेते हैं अब तुम दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हो तुम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता ये मंगलसूत्र लो और अपनी पत्नी के गले में पहना दो भगवान मंगल करे मुझे भी एक डोर दे दीजिए बेटी ये डोर नहीं मंगलसूत्र है मां हां मंगलसूत्र मुझे भी दे दीजिए बेटी तुम्हारे पति ने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र नहीं डाला लो ये पहन लो ये धर्म का बंधन है इसमें बंधने के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी को आजीवन कभी नहीं छोड़ सकता और ना ही उसे अलग कर सकता है क्या ये गले में डालने से राजा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा बहुत चाहती हो राजा को तो जाओ शिवलिंग पे राजा के नाम से दूध चढ़ा दो भगवान शंकर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे अब देखना बबलू बंडी सनी अरे ये तुमने क्या पहन लिया मंगलसूत्र अरे तुम कितनी भोली हो भोली हाँ इसे तो शादी के 7 फेरों बाद ही पहना जाता है तो चलो फिरे हम अभी ले लेते हैं फेरे तो हम जरूर लेंगे लेकिन दद्दू के सामने ता 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 ना 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 तब तक ये मंगलसूत्र मेरे पास रहेगा देखो मेरा मंगलसूत्र मुझे दे दो वरना मैं तुमसे रूठ जाऊंगी तुम रूठा ना करो कि मेरी जान निकल जाती है तुम हंसते 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 चंद्रमुखी मैं तुमसे वादा करता हूं ये मंगलसूत्र मैं तुम्हें जरूर पहनाऊंगा और अपने हाथों से पहनाऊंगा प्यार है कैसे बताऊं तुझसे मुझे इतना प्यार है
तुझसे मुझे कितना प्यार है, कैसे बताऊं तुझसे मुझे कितना प्यार है। तुझसे मुझे कितना प्यार है। हमने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर राय साहब का कुछ पता नहीं चला। मुझे तो अचानक राय साहब के इस तरह गायब हो जाने पर यकीन ही नहीं आ रहा है। कल सुबह जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे तब से लौटे ही नहीं हैं, न जाने कहां चले गए हैं। कामनी जी, आपको किसी पे शक है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं और किस पे शक करूं? घबराइए नहीं, उनका पता लगता ही हम आपको इतला कर देंगे। आइए। बहना, बहना, ये पुलिस किस लिए आई थी? अरे मैं पूछ रहा हूँ, ये पुलिस किस लिए आई थी? बहनों जवाब दे, पुलिस किस लिए आई थी? भैया मैंने बूढ़े को ठिकाने लगा दिया। ये तूने क्या किया? सारा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। अगर बुड्ढा लौट जाता तो एक साल तक इन पहाड़ियों में वापस नहीं आता। मैंने कहा था ना, जब तक मैं यहाँ नहीं पहुँचू तुम कुछ मत करना। वो एक साला किडनैपर ने राजा को किडनैप कर लिया है और खुद को राजा बताता है। अगर राजा नहीं मिला तो सारी जमीन जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी और हम यहाँ बैठे हाथ मलते रह जाएंगे। हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। टीजीबी गैंग राजा को किडनैपर से छीन लेगा, लेकिन जिंदा। मगर राजा मिलेगा कहाँ? अगर सपना खत्म हो गया हो तो चले? अब कहाँ चले, लाल टीले पर तो पहुंच गए, यहाँ ना गुड्डू सनी मिले ना वो गडेरिया। हाँ सोचा था जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन काश ये सफर कभी खत्म ना हो और हम यूं ही साथ चलते रहे, यही ना। उठो, जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। तुझे छोड़ दूँ? नहीं, बहुत दिनों बाद किसी मानव का काला हड्डी चबाने को मिला है। तुझे नहीं खाऊं, सबसे ज्यादा मांस और हड्डी तुझ में है, पहले तुझे ही खाऊंगा। अरे मनमोहन जी, इसे मत खाइए, इसको तो पी लिया है, आप इसे खाते ही पीले होके मर जाओगे, इसे मत खाइए। तो फिर मैं तुझे खाऊंगा, तुझे कोई रोग नहीं है। अरे नहीं मनमोहन जी, आप तो मुझे खा ही नहीं सकते। तुझे क्या हुआ? मुझे मुझे तो एड्स है। एड्स? ये क्या होता है? जंगल में घाट घाट का पानी पीने से हो जाता है। जंगल में घाट घाट का पानी? वो तो मैं भी पीता हूँ। मुझे बेवकूफ बनाते हो, अभी काट खाता हूँ तुमको। अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा, राजा। अरे किसने बोला था तुम लोग इसे टक्कर लेने को? हम सब मिलकर भी इसके बराबर नहीं है। राजा राजा, ब्रूसली फाइट, ब्रूसली। भाई साहब, ब्रूसली का नाम सुना आप? अब क्या? राजा राजा, टार्जन, टार्जन फाइट, टार्जन। आ
टारजान मरवा दिया ना। सॉरी राजा राजा सुपरमैन सुपरमैन फाइट सुपरमैन ट्राई करता हूँ। सॉरी राजा एक राजा राजा हिंदी प्लेन हिंदी प्लेन वीरू देवगन फाइट कैमरा एक्शन। मनीष ने तुम्हें पकड़ कैसे लिया? वहाँ पहाड़ी के पीछे का ना खंडर है खंडर। जाम में ना उस दोस्त का इंतजार कर रहे थे। ये अचानक फरमान उसने पीछे से आके पकड़ लिया। मुझे बुला ना। लगता है कोई गांव है। चलो। मेरे दद्दू हैं, दद्दू! तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? ये मेरे दद्दू हैं, मेरे दादाजी। लेकिन ये इस हालत में और तुम लोग इन्हें? हम इस गांव के मुखिया हैं, यकीमो, और ये हैं वैद्यराज, जो तुम्हारे दद्दू का इलाज कर रहे हैं। क्या हुआ मेरे दद्दू को? लगता है इनके दिमाग पर कोई गहरी चोट लगी है, जिसके कारण इन्हें होश नहीं आ रहा। ये हमें चीरापुर पहाड़ी के पीछे जख्मी हालत में झील के पास बेहोश पड़े मिले थे। तब से लेके आज तक बेहोश हैं। हमारी जड़ी बूटियों से इनके जख्म तो भर गए, लेकिन होश नहीं आया। उसी की कोशिश कर रहे हैं। दद्दू, उठो दद्दू, दद्दू, आंखें खोलो दद्दू, देखो दद्दू, दद्दू देखो आपका राजा आया है। मुझसे बातें करो दद्दू, दद्दू, आंखें खोलो, आंखें खोलो दद्दू, राजा आया है dam 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 dam। रातिशा देवी ने हमारी सुन ली।
जय रातिशा देवी। दद्दू, दद्दू, मैं राजा, पहचाना मुझे? लगता है बहुत देर तक सो गया था मैं। दद्दू, नहीं पहचाना? एक मिनट, एक मिनट। कुछ याद आया? मैं ही आपका राजा हूँ दद्दू। दद्दू, दद्दू झाड़ पे, झाड़ पहाड़ पे, पहाड़। दद्दू, अब छोड़ो भी मजाक। क्या कहा? ओफो, यही है आपका राजा। सच डिंग डोंग की कसम। डिंग डोंग, हांगकांग, पिंग पोंग, डिंग डोंग, तू फिर आ गया। दद्दू, आप इनसे भी पूछ लीजिए, मैं ही आपका राजा हूँ। हाँ, बाजा, बाजा, बाजा।
वही सामने आ बैठ जा दूर ना राजा को नया रूप देकर आज तेरी आंखों की शक्ति खत्म हो गई है, कल तेरा तेज और शरीर भी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो दुनिया तेरे लिए नहीं है बेटी, तेरी दुनिया ये है। नहीं, अब मेरी दुनिया राजा है माँ, और राजा मेरा हो चुका है। उस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बेकार के बंधनों में मत बांध अपने आप को, तोड़ दे उन तमाम रिश्तों को और लौट आ बेटी, वो सुनहरी शक्ति लेकर लौटा। नहीं मां, नहीं, मैं लौट के कभी नहीं आ सकती। मैं मजबूर हूँ मां, मैं मजबूर हूँ। जिस तरह तेरी आंखों की शक्ति खत्म हो गई है, धीरे धीरे अब राजा भी खत्म हो जाएगा। नहीं। हाँ, क्योंकि वक्त से पहले वो तेरी ही शक्ति से बड़ा हुआ है। अगर अगली पूर्ण चंद्रमा तक वो सुनहरी शक्ति लेकर यहाँ न आई तो यहाँ ये सुनहरा देश खत्म हो जाएगा, तेरी माँ खत्म हो जाएगी, और वहां धरती पर तू खत्म हो जाएगी, और तेरा राजा भी खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? राजा, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिक्र मत करो चंद्रमुखी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दद्दू ठीक हो जाएंगे। यकीमो, मैं आप लोगों का एहसानों का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। एहसान कहाँ, हमें तो अफसोस है कि हम तुम्हें तुम्हारे दद्दू नहीं लौटा सके। यकीमो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये दिन में 3 बार दद्दू को पानी के साथ पिलाना, बहुत जल्द तुम्हारे दद्दू तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ, चिनार महल जाने के लिए इस लकड़ी के पुल से निकलना, पहाड़ी के पीछे एक कच्चा सा रास्ता मिलेगा, वही चिनार महल जाता है। बतक दो, नहीं दूंगा, ये बतक मेरी है, नहीं दूंगा। दद्दू, बतक दे दो, वरना बतक मर जाएगी। मर जाएगी? हाँ। नहीं, उड़ जाएगी, उड़ जा। राजा, 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 चंद्रमुखी का कहीं पता नहीं है। क्या, चंद्रमुखी का कहीं पता नहीं है? कहाँ चली गई चंद्रमुखी? बेटी तू आ गई, तू आ गई बेटी। मगर वो सुनहरी शक्ति, उसी की वजह से मेरी ये हालत हो गई है माँ। क्या,
तू धरती से वो सुनहरी शक्ति लेकर नहीं आई? बोल बेटी, बोल ना, खामोश क्यों है? तू इस तरह हंस क्यों रही है? जोला, तू फिर यहाँ आ गया? हाँ, पूरी सृष्टि में ढूंढ रहा था सुनहरी शक्ति को, और अब पता चला कि वो उस धरती पर है। मैं उस धरती पर जाऊंगा और पूर्णिमा की रात को तेरी बेटी की गर्दन काट दूंगा, और वो सुनहरी शक्ति जिधर कहीं भी उस धरती पर होगी, खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। ना! 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 अब उस सुनहरी शक्ति पर सिर्फ मेरा कब्जा होगा, और उस सुनहरी शक्ति के द्वारा मैं इन चांद सितारों पर, ऐसे हजारों सुनहरे देशों पर राज करूंगा, राज जहां पर सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। सारी सृष्टि मेरे सामने सर झुकाएगी और तुम सब मेरे गुलाम होगे। यह सारी कायनात मेरी मुट्ठी में होगी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। चंद्रमुखी, कुछ पता चला? नहीं राजा, नहीं, चंद्रमुखी का कहीं पता नहीं चला। मैं इसे देखता। देखो, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। इतना दूर मेरे दोस्तों को छोड़ दो, तुम्हें राजा मिल जाएगा। किडनैपर, तुमने हम सबको जंगल में बहुत घुमाया है, लेकिन अब घूमना फिरना सब बंद, क्योंकि हमने मदन को प्रॉमिस किया है कि तुम सबको हम जिंदा ले आएगा। अलाइव। इतना दूर मेरे दोस्तों को छोड़ दो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा के पास लेके चलता हूँ। बोल दे मैन, राजा किधर है? कितनी बार कह चुका हूं कि मैं ही राजा हूं, मैं ही राजा हूं, मैं ही राजा हूं। चक्कर का पहिया टूट गया, कच्चे मटके की तरह फूट गया। अरे उस्ताद, पहले ये तो बता दे कि तूने इन बच्चों को कौन सी पुड़िया पिलाई है कि बच्चे तुझे राजा बोलते हैं और बुड्ढा कुछ बोलता ही नहीं। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, साला बड़ा लंबा खिलाड़ी है, मगर तेरा खेल अब खत्म। देख, ना तू मेरा दुश्मन है, ना मैं तेरा दुश्मन हूं। अबे मैं जानता हूं कि तू बुड्ढे की दौलत के पीछे है, मैं और कामिनी भी दौलत के पीछे है। देख, तू मुझे राजा का पता बता दे, मैं तुझे बुड्ढे की प्रॉपर्टी में से 20% दे दूंगा, कैश, रोकड़ा, अभी इसी वक्त। बोल 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 बोल, कहा? अबे बोल, मंजूर है कि नहीं? अबे बोल, आराम से बोल।
अगर ये मर गया तो राजा नहीं मिलेगा, यू अंडरस्टैंड? अगर राजा नहीं मिलेगा ना तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा। एक होता है चाइनीज टॉर्चर और एक होता है डीजीबी टॉर्चर। Okay, bye bye. Okay, bye bye. Okay, bye. कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ये जूता बांध रहा हूँ। नहीं, क्या हुआ? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं, नहीं। देखो, ये हो सकता है। दुनिया गोल है। आदमी जहाँ से शुरू होता है, वहीं पे आके रुक जाता है। मगर टक्कर? किसकी टक्कर? हाँ, तुम्हारी इसकी टक्कर। टकरा कर तुम चकरा गई, चकरा के तुम घबरा गई। मैं सब जानता हूँ। जूता बांध कर आता हूँ। मदन, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसके दिमाग की नसें हिल गई हैं। मगर तुम घबराओ मत, इसे कुछ याद नहीं है। जिस्म वही है मगर दिमाग। लेकिन ये बचा कैसे? हे मदन। हाँ बहना। ये सुम्बा है क्या चीज? अरे सुम्बा एक काला जादूगर है जो नीचे लाल पहाड़ी के पास में रहता है। हम उसके पास जाके हाथ पैर जोड़ के उससे चिनार महल लाएंगे, ताकि वो अपने जादू से उस बहरूपिये के दिल की बात जुबान पर ले आए और हमें पता चल जाए कि हमारा राजा है कहाँ। अगर इस सुम्बा ने अपने काले जादू से हम सब पे कब्जा कर लिया तो? काले जादू का असर इंसानों पर होता है, हम जैसे शैतानों पर नहीं। You are a horrible guy. मतलब दोस्त की जान खतरे में है, चिनार महल। भगवान, मैंने तुझसे राजा मांगा था और तूने मेरा राजा ही छीन लिया। मैंने तेरा शिवलिंग दूध से भर दिया था और तूने मेरी आंखों में आंसू भर दिए। अगर मेरी शक्ति मुझे ना मिली तो राजा खत्म हो जाएगा और उसकी वजह सिर्फ मैं होंगी, सिर्फ मैं। मुझे मेरे राजा को बचाना है भगवान, मुझे मेरे राजा को बचाना है। मेरी शक्ति मुझे वापस दे दे, मेरी शक्ति मुझे वापस दे दे। कोई आ रहा है।
दोस्त तू? दोस्त, तुम्हारी जान खतरे में। वो लोग काले जादूगर तुम्हारे पास गए हुए। चलो दद्दू को लेके यहाँ से जल्दी निकलते हैं। हट सामने से। अबे तेरे बाप की सड़क है क्या? अबे टकले सुनाई नहीं देता क्या? हट हट। ये नाटक कंपनी हट। देखा है? ए बहना, तू ठीक है ना? ये क्या बला है? बला वाला कुछ नहीं, ऐसे ही कर पागल था साला। दोस्त, अब हम चिराल महल से बहुत दूर आ चुके हैं। अब हमें कोई खतरा नहीं है। ठीक है, फिर सुबह होते हम चंद्रमुखी ढूंढेंगे। तुम्हें चंद्रमुखी की तलाश और उन गुंडों को राजा की तलाश। मगर दोस्त, वो राजा कौन है? राज, बहुत ही गहरा राज। दोस्त, तुम होशियार है ना? उस राजा को पाने के लिए वो तुम्हारा खून भी कर सकते हैं। वो लोग मुझे मार देंगे तो राजा उन्हें कभी नहीं मिलेगा। अब तो दद्दू ही मेरे साथ में है, मतलब बाजी मेरे हाथ में। मैंने उनका सारा प्लान चौपट कर दिया है। क्या मतलब? मतलब अब होगा वही जो मैं चाहूं। दद्दू? खबरदार जो मुझे दद्दू कहा तो। दद्दू? दगाबाज, चालबाज, मक्कार, पता कहाँ छुपा रखा है मेरे राजा को? हट जाओ! बोल, बोल! कहाँ छुपा रखा है मेरे राजा को? बोल! नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूँगा। कहाँ छुपा रखा है मेरे राजा को? बोल! ये आपको अचानक क्या हो गया है? मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मैं ही आपका राजा हूँ? खामोश! तू क्या समझता है? मैं पागल हूँ? अरे मैं पागल नहीं हूँ। जब मुझे होश आया और मैंने तुझ जैसे अजनबी को अपने सामने खड़ा देखा, मैं तभी समझ गया था कि इसमें कोई गहरी चाल है। और इस चाल की गहराई तक पहुंचने के लिए मैं आज तक पागल का नाटक करता रहा। मगर इतना याद रखना, मेरे जीते जी राजा को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। अरे पर तू क्या चाहता है रे? मेरी दौलत, रुपया, पैसा सब कुछ ले ले। अरे जिंदगी में मैंने जो भी कमाया है सब तेरे नाम कर दूंगा, मगर मेरे राजा को लौटा दे। मेरे पोते को मुझे वापस दे दे, मैं तुझसे उसकी भीख मांगता हूँ। नहीं दद्दू, मेरा यकीन कीजिए दद्दू, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। मैं ही आप राजा, तुम्हें समय से पहले बड़ा करने वाली और कोई नहीं, मेरी बेटी है जिसे तुम चंद्रमुखी के नाम से जानते हो। उसे तलाश है हमारी खोई हुई सुनहरी शक्ति की। वो सुनहरी शक्ति उसके पास न होने के कारण वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब मैं उससे संपर्क भी नहीं कर सकती। हमारे सुनहरे देश का दुश्मन जोला उस शक्ति की तलाश में धरती पर जा चुका है। अगर वो मेरी बेटी तक पहुंच गया और वो सुनहरी शक्ति उसे मिल गई तो मेरी बेटी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारा ये सुनहरा देश खत्म हो जाएगा। मेरी मदद करो राजा, क्योंकि जोला से सिर्फ तुम ही मुकाबला कर सकते हो और कोई नहीं।
मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो राजा। इस दुनिया से आगे किसी और दुनिया में चलोगे मेरे साथ राजा? इस दुनिया से आगे किसी और दुनिया में चलोगे मेरे साथ राजा? इस दुनिया से आगे किसी और दुनिया में चलोगे मेरे साथ? राजा, मेरे बेटे, राजा, मुझे माफ कर दे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सुम्बा जी, ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये सच है तो राजा हमारे बारे में सब कुछ जान गया है। नो मैन, नो, इम्पॉसिबल। मदन, ये जादूगर हमको उल्लू बनाता है। हम जादू पर विश्वास नहीं करता। धोनी ये क्रेडिट बोलता है। नो नो, उस किडनैपर का एक एक फटका हजार हजार वोट का झटका था। ऐसा पावर तो आसमानी कोई सुनहरी शक्ति ही दे सकती है। अगर वो सुनहरी शक्ति किसी को मिल गई तो वो सारी दुनिया पर राज कर सकता है, सारी कायनात पर राज कर सकता है। बहना, अगर वो शक्ति हमें मिल जाए तो। सुम्बा महाराज, क्या आप वो सुनहरी शक्ति हासिल कर सकते हैं? हाँ, मैं अपने काले जादू के ज्ञान से वो सुनहरी शक्ति भी हासिल करूंगा। तुम्हारा राजा भी तुम्हें लौटाऊंगा और उस सुनहरी शक्ति से सारी कायनात पर मैं राज करूंगा। मैं अब हैं कबा राज टीजी भी गैंग करेगा और शाला जादूगर मरेगा। सबसे पहले मैं उस लड़की को यहां बुलाऊंगा। चंत्रम मंत्रम तंत्रम चंत्रम। वो सुनहरी शक्ति मिलते ही मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगा संभव। आ रही है वो, आ रही है वो। Yeah.
मैं इसका रूप धारण करूंगा। Thank you.
शिया। सुनहरी शक्ति अब मेरी होगी। सारी दुनिया पर मदन राज करेगा। नहीं, मदन नहीं, तू मुझे वो सुनहरी शक्ति देगी। चल चलो। हट जा राजा, हट जा मेरे सामने से। राजा मैं कहता हूं, हट जा, हट जा मेरे रास्ते से। मदन, मदन अब क्या होगा? बहना, मेरे भांजे ने मेरी जान बचाई और मैं उसी को मारना चाहता था। उस सुनहरी शक्ति तक मेरी जीते जी कभी नहीं पहुंच सकता जोरा, कभी नहीं। तू क्या रोकेगी मुझे? आज पूर्णिमा की रात है और जैसे ही चंद्रमा डूबेगा मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। और वह सुनहरी शक्ति जिधर भी इस धरती पर होगी खुद बहुत तेरी लाश के पास आ जाएगी। और फिर मैं उस सुनहरी शक्ति से सारी सृष्टि पर, सारी कायनात पर, पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। राज चंद्रमुखी, 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 चंद्रमुखी। चंद्रमुखी नहीं,
चंद्रमुखी। का भगवान तो उठा कर दिखा इसे, अगर है तुझमें शक्ति तो मेरी शक्ति से टकरा कर दिखा। मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वशक्तिशाली हूं, अब मैं जो चाहे कर सकता हूं। अगर है तुझमें शक्ति तो करके दिखा मेरा अंत। मैं हूं भगवान, मैं हूं इस धरती का भगवान। गांव वालों, आज से मैं तुम्हारा भगवान हूं। ये पत्थर की मूर्ति, ये मिट्टी का पुतला, ये तुम्हारा भगवान नहीं है,
मैं तुम्हारा भगवान हूँ, पूजा करो मेरी, सर झुकाओ मेरे चरणों में, सर झुकाओ मेरे सामने। भगवान, सुना है तो इंसानों की परीक्षा लेता है, मगर आज परीक्षा तेरी है। तुझे राजा को जीवन देना होगा और इस राक्षस का अंत करना होगा। ॐ नमः शिवाय। सुनहरी शक्ति पाते ही
हम तुम्हें खो देंगे, ये तो कभी सोचा भी नहीं था। वो प्यार जो मुझे तुमसे मिला है राजा, उस प्यार को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हारा ये प्यार कभी ना मिटने वाली मीठी यादें बनकर हमेशा मेरी दुनिया में जिंदा रहेगा। चंद्रमुखी, मैं हर रात चांद सितारों की तरफ देखा करूंगा, तुम उनकी झुरमुट से जाकर मुझे देखना, मैं सोचूंगा तुम मेरे पास हो। राजा, मुझे हंसते हंसते विदा नहीं करोगे? बेटी, हंसते हंसते उन्हें विदा किया जाता है जो लौट कर आने का वादा करते हैं। क्या तुम कभी नहीं आओगे? क्या तुम हमें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हो? चंद्रमुखी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वापस लौट कर ही ना जाओ, यहीं रह जाओ? जाने का मन तो नहीं करता, मगर मुझे अपने सुनहरे देश की ये अमानत लौटानी है। वहां मुझे आप लोग बहुत याद आओगे। चंद्रमुखी, याद है मैंने तुमसे कहा था कि मंगलसूत्र में तुम्हें जरूर पहनाऊंगा। ये मंगलसूत्र तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। मेरा चुटकू, मेरा राजा, मेरा प्यारा प्यारा भांजा, फिर से छोटा हो गया। अरे मेरा बेटा। बाबूजी, हम लोग आज तक कुत्ते थे, कमीने थे, मगर अब कुत्ते से भी ज्यादा वफादार होंगे, क्यों कामिनी? हाँ बाबूजी, हम अपने की पे बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए। अरे बेकामनी मदन, अंत भला तो सब भला, सबका भला। चंद्रमुखी, मैं तुम्हारे लौटने तक इंतजार करूंगा। इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। ओके तो राजा साहब, आपके साथ डील बिल्कुल पक्की, 22 अक्टूबर को 12 बजे मिलते हैं। ओके बाय। ठीक है, अंदर भेज दो। एक्सक्यूज मी सर। मे आई कम इन? चंद्रमुखी, मेरा नाम तो चंद्रमुखी है, पर तुम्हारा नाम क्या है? Dude।